तो आप लोग जबलपुर की गाड़ी जब तक नहीं छोड़ रहे इतने आप लोग का हौसले बुलंद हो चुके। क्या प्रॉब्लम है सरदार जी? सरदार जी हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परिवहन प्रकोष्ठ। ठीक है ठीक है, बताइए क्या शिकायत है आपकी? ये है मेरा कार्ड। ठीक है, पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ। आप शुभ नाम? आपको अनामिका कोहली जी है। ठीक है कोहली जी, मैडम आपको क्या प्रॉब्लम? समस्या ये है कि ये जबलपुर के हमारे परिवहन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं डी एस पटेल, ये सब परिवहन प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं और ट्रांसपोर्ट यूनियन से जुड़े हैं। इनकी गाड़ी को 3 दिन पहले रात्रि में खड़ी कर दी जी 04M5436 से 1000 रूपए अवैध वसूली की गई। बार बार बताने पर भी सुनिए मैडम, या तो आप बोल लो फिर मैं बाद बोलूँ या मैं बोलने दीजिए फिर आप। उसके बाद ड्राइवर से 1000 रूपया लिया गया। अभी ये ड्राइवर साहब कहाँ है? उनसे 1500 रूपया लिया गया, कोई रसीद नहीं कुछ नहीं, बिना वर्दी के पहने हुए आदमी, वो कौन है? इनको तो हमारे सामने दिया ना, अभी इनको तो वीडियो बना लिया अपन ने, इनको तो हमारे सामने दिया। बताइए वो कौन है? हर वक्त कोई भी कर्मचारी वर्दी में नहीं रह सकता है। ठीक है चलिए नहीं रह सकता। अभी मैं भी हूँ यहाँ पे, 24 घंटे बैरियर चलता है, हर वक्त कोई भी नहीं रह सकता। मान लीजिए वो है तो कर्मचारी है, पैसे मिले तुमको वापस? हैं कितने पैसे वापस मिले? मिल गए? बताओ कहाँ 1500 रूपए? जो इधर आई, इधर आओ, इधर आओ, वीडियो में सामने आओ, सामने आओ। अगर पूरी हो गई है तो मुझे नहीं, मैं मैडम इधर इधर खड़ा हूँ। हाँ ये कहाँ से लेके आया अभी पैसा वापस? किसने लिए? उनका नाम क्या है मैडम? वो अगर यहाँ के कर्मचारी आप बोल रहे हैं? अरविंद सिंह। अरविंद सिंह बिना वर्दी के है? बिना वर्दी के है। चलिए कोई बात नहीं, बिना वर्दी के है, कोई पॉसिबल कोई बात नहीं, वर्दी धुल रही है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं पहनी जरूरी भी नहीं है ना, वैसे है पर नहीं नहीं। ये देखिए बिना मैडम आपकी जानकारी में बिना रसीद दिए किसलिए 1500 रूपए से लिया? नहीं नहीं गाड़ी तो नहीं होगी ना, बाय मिस्टेक भूल गए हो। बाय मिस्टेक, अच्छा बाय मिस्टेक भूल गए। ये डीएस मैडम अगर ले जाते वापस क्यों होते? CG04H उनको जो भी चालान का पैसा बताया होगा वो लिया गया होगा। ठीक है ऐसा चालान तो कुछ नहीं बताया उसको। अच्छा क्यों ठीक है, गाड़ी में क्या चालान कर रहे हैं? गाड़ी इनकी बताइए, आप बताइए बताइए। 5436 परसों की रात में रात भर खड़ी कर ली गाड़ी को, और बहुत बहुत गलत तरीके से बात कर रहा था, कोई नहीं था पूरे को बताया, हमको बताया कि जबलपुर जिले के अध्यक्ष परिवहन प्रकोष्ठ के में बात हुई है। नहीं आप पहली बात तो थोड़ा अपनी वॉल्यूम धीरे करके बात करिए, सरकारी ऑफिस है यहाँ पैसे, सरकारी ऑफिस में अवैध वसूली कर सकते हैं आप लोग? कहाँ हो रही है? ये क्यों तुमने लिया ना पैसे? ये 1500 रूपए वसूली दी थी ना तुमने, तुमसे वसूली ली थी ना, अब 1500 रूपए वापस किए ना तुमको, ये अवैध वसूली के लिए थे ना। अब मैडम बोले कि बाकी के पैसे वापस दिए, 1500 रूपए बाकी के कहाँ से होते? क्या 5000 का नोट होता है क्या? आपके सामने वापस हुआ पैसे आप बोलते मैडम, ये बाकी के पैसे बोल रहे हैं, 5000 का नोट तो होता नहीं है, ये 1500 कैसे वापस हो जाएंगे? मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती, मैं जब तक बात, उनका नाम क्या है मैडम? अरविंद। मैडम उनका नाम क्या? भाई साहब एक मिनट आ जाए, एमपी की गाड़ियां ही छोड़ रहे हैं। एमपी क्या जबलपुर की नहीं छूट रही है? ये मैडम इसमें क्या है ये बताइए, इसमें क्या है? ये नहीं इसमें क्या ओवर हाइट है क्या? इसमें देखिए आप ओवर हाइट है कि ओवरलोड है? डंडे में ड्यूटी करते सर, अंदर वो भी बैठा है। नहीं नहीं आपका बैरियर पे पद क्या है? मैं मैडम बैरियर पे क्या पद है आपका? ड्यूटी करते सर यहाँ पे? नहीं ड्यूटी प्राइवेट है, आप किस पद पे? प्राइवेट है ना? प्राइवेट है। ठीक है मैडम, अभी आप बोल रहे थे कि आप पद पे हैं कर्मचारी, अभी देखिए अभी प्राइवेट हो गया यहाँ पे हम। आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम क्या है? आपका कार्ड है कोई? नहीं है ना? आपको किसने ये ड्यूटी पे लाया पैसे? अरे सर मैं अंदर बैठा था, अंदर करने वाले और कोई हैं? मिस से आए खाना खाने। तो अभी मैं आपको बुला रहा हूं, बुलाया। क्यों इधर इधर इधर, दो मिनट दो मिनट दो मिनट दो मिनट, मैं खड़े मैं बोल रहा हूं सुनना। पैसे आपने किनको दिए? पैसे वापस किससे लिए? किन्ने जाके दिलवाए? ये देखिए स्पष्ट हो रहा है, गलत जानकारी दी जा रही है, अवैध वसूली यहाँ पे पर्याप्त भरपूर तरीके से हो रही है। इस गाड़ी में देख लीजिए कहीं ना कोई ओवरलोड है, ना कोई ये ओवर हाइट है। ये बोल रहे फिर अगर ओवर हाइट और लोड हो तो भी आप रसीद काटिए। मेरा वही कहना है, ये गाड़ी ना ओवर हाइट है ना ओवरलोड है, उसके बाद में परेशान किया जा रहा है गाड़ी वालों को, अवैध वसूली करके परेशान किया जा रहा है।
प्राइवेट लोगों को यहाँ पर बिठाना नहीं है, इनके सवा है, इनने 1500 रुपया लिया है ना मैडम, सरकारी नहीं है ना ये। अभी अभी वीडियो बन चुका है, वीडियो बन चुका है, पहले वीडियो बनियो, आपने बनवा चुका है, आपने लिया, आपकी रिकॉर्डिंग है, आपके खिलाफ चलो भैया सुनिए तो कोई बात नहीं, आप नाराज ना हो, सुनो तो कोई बात नहीं, आप नाराज ना हो, हमने जो जो हमें दिख गया वीडियो में सब दिख जाएगा, ये कमिश्नर के पास जाएगी। भाई साहब ये अभी पूरी खबर आरटीओ कमिश्नर के पास जाएगी, क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आरटीओ कमिश्नर के पास जाएगी। मैडम के नाम लिखा जाएगा, वो यहाँ पर मैडम प्रभारी है यहाँ पर। चलिए आप भी आ गए हैं, चलिए बैरियर में एक तो हमें वर्दी में सज्जन जी एक तो हमें वर्दी में देखे, चलिए शुक्र है, शुक्र है आरटीओ बैरियर में कम से कम एक सज्जन तो वर्दी में है। ये गाड़ी खड़ी हुई है, इसमें ना कहीं ओवरलोड है, पूरे कागज सामने है और ना इसमें कहीं ओवर हाइट है। ओवरहाइट, ओवरलोड और ड्राइवरों को परेशान करने के नाम पर अवैध वसूली जारी।